नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आलन चौधरी में। और आज बात करेंगे अमित शाह के सीकर दौरे की। तो कल अमित शाह आ रहे हैं सीकर, 10 बजे पहुंचेंगे सीकर, वहां से जाएंगे भारतीय स्कूल में, वहां पे भाजपा कार्यकर्ताओं की है मीटिंग। 12:30 बजे अमित शाह पहुंचेंगे जिला स्टेडियम, वहां से करेंगे 2 घंटे के लिए सभा को संबोधित। और उसके बाद में हो जाएंगे 2:30 बजे लगभग बीकानेर के लिए रवाना। तो क्या क्या उम्मीदें रखी जा सकती है अमित शाह के सीकर दौरे से? क्या वो कामयाब हो पाएंगे भाजपा में, जो भाजपा का जो खेमा है वो दो पक्षों में बंटा है उसको बचाने में? क्या भाजपा बचा पाएगी सीकर को? क्या भाजपा बचा पाएगी सेगावाटी में जो अपनी बाकी सीट्स हैं उनको? क्या अमित शाह तैयार कर पाएंगे एक माहौल? उम्मीदें तो इसी प्रकार से हैं कि अमित शाह जो हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि सीकर की जो राजनीति है वो इस समय भाजपा विरोधी चल रही है। सीकर में खुद रतन जलधारी के विरोध में लहर चल रही है और फतेहपुर सेखावाटी में भाजपा पहले ही यहाँ पे मजबूत नहीं है, उसके बाद में रहा सर आपका चूरू, वहां पे भाजपा के सांसद हैं इस समय और भाजपा के विधायक हैं। तो ये कुछ सेखावाटी का दौरा आप इसे कह सकते हैं, पर्टिकुलर सीकर का न मान के। तो क्या क्या उम्मीदें जो है वो अमित शाह से रखी जा सकती हैं? कुछ विशेष उपलब्धियां अमित शाह के पास यहाँ पे गिनाने को नहीं होंगी, सिवाय उसके उन्होंने सीकर को कुछ नहीं दिया। जो मेडिकल कॉलेज थी वो अभी तक खुली नहीं, उससे पहले चूरू में वो खुल चुकी है। तो कुछ विशेष उपलब्धियां हैं नहीं अमित शाह के पास गिनाने के लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है अमित शाह का सीकर दौरा। उम्मीद आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप पहुंचे हो यहां तक तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।